सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 7:30 बजे से और हमारे यहाँ मेहमान आ रखे थे। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मामी और मेरी जेठी माँ की लड़की, मतलब मेरी दीदी हुई, मेरे से बड़ी है। और अभी ना ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं बनाया है, मम्मी ने मेहमानों को चाय भी दे दी है, तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है, वैसे तो मैं हमेशा बनाती हूँ, जब भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना तो हमेशा बनाती हूँ भाई वो चीज़। तो आप लोगों को भी ब्लॉग में पता चल जाएगा क्या बनाने वाली हूँ। बाकी देखिए भाई, धूप भी ऊपर पहाड़ियों पर आ रही है। हमारे ऊपर वाले छत की हालत जो है कुछ ऐसी है, यहाँ ब्लॉक वगैरह रखे हुए हैं। और हमारा यहाँ पे ना पहले किचन हुआ करता था, लेकिन किचन का जो मटेरियल वगैरह है वो एक साइड पे मम्मी ने कर रखा है, मतलब ढेर लगा रखी है, वो भी पुराने सड़े हुए भी हैं कुछ। और यहाँ पे एक संदूक भी रखा हुआ है, इसको हमने ना बाद में सही कराना है। और यहाँ पे हमने कुछ मटेरियल वगैरह रख रखा है, और ये देखिए भाई पाइप वगैरह, और हमने ना जो रेलिंग करी हुई थी ना तो उस पे देखिए भाई रंग भी लगा दिया है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है भाई रेलिंग करी हुई। ये देखिए अब तो कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े डालने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अभी नहीं, जब छत ना पूरी तरह से खाली हो जाएगा फिर इसमें वो करना है, हमें फिनिशिंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि जो है सीमेंट है ना ये पूरी तरह से उखड़ रखा है, आधा छत हमारा पूरा बर्बाद हो रखा है। बाकी इधर की साइड ना कुछ ब्लॉग बनाने बाकी हैं, ये देखिए इतने ब्लॉग तो बन चुके हैं, लगभग 300 ब्लॉग बनाने हैं। पहले तो मम्मी ने 250 बोला था, लेकिन 300 ब्लॉग बनाने हैं। और यहाँ पर ना ब्लॉग बनाने का कुछ मटेरियल यहाँ पर बना रखा है, तो ये देखिए भाई ब्लॉग इतने बन चुके हैं, लगभग 200 से ज़्यादा बन गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे हैं, कुछ इधर की साइड हैं, कुछ यहाँ की साइड हैं। और घड़ी के पीछे हमने ना एक रास्ता भी बना दिया है लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ ऊपर की साइड से ना आसान होता है लकड़ी लाने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे रास्ता बनाया लकड़ी लाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रास्ता बन रखा है। और हमने यहाँ पर देखिए भाई लकड़ियाँ भी रख रखी हैं, ये सूख भी गई होंगी हल्की हल्की, और ऊपर की साइड भी लकड़ियाँ रख रखी हैं। और बांझ के पेड़ों पे देखिए भाई नई कोंपलें आनी स्टार्ट हो गई हैं, ये देखिए मतलब अब बांझ के पेड़ों पे पल्या आता है। और जो माल्टे के पेड़ है ना तो उन पे देखिए फूल भी आने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए भाई यहाँ पे। और ऊपर की साइड है नारंगी। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने गैस वाले किचन में। तो मम्मी ने यहाँ कुकर में आलू रख रखे हैं, शायद आलू हो गए होंगे। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा भी निकाल दिया है, ये देखिए। और मम्मी ने ना परसों ही चक्की में पीसे हैं, तो अब आटे को गूंथूंगी मैं अच्छी तरह से। बाकी अभी आलू भी बॉयल नहीं हुए हैं। आलू भी बॉयल हो चुके हैं और ना मैंने आलू भी छील दिए हैं, अब इस कद्दूकस से ना बारीक को करूंगी। मैंने यहाँ बाहर पे आग भी जला दी है, और यहाँ पे मैंने ना घी भी ला रखा है साथ में, और आलू में मिक्स मसाले भी, मैं सब चीज़ मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पे पेस्ट भी बन चुका है। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंथ के तैयार कर दिया है। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं।
तो दीदी यहाँ पे लगी हुई है मैक्रोनी बनाने में, तो अब मैक्रोनी भी बनने वाली है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। मैंने एक फुल टोकरी पराठे की बना रखी है और यहाँ पे दीदी ने ना मैक्रोनी भी बना के तैयार कर दी है। ये देखिए भाई, पराठे भी बन के तैयार हो गए हैं और मैक्रोनी भी। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है गांव में जाने की, दादी लोगों के घर पे दूध के लिए। आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बताया था कि हमारी जो भैंस है वो छूट गई है, तो इसलिए हमने ना दादी के यहाँ लगा रखा है दूध। तो चलते हैं दादी जी के घर पे दूध के लिए, और आधा लीटर दूध लगा रखा है हमने। हमें जाने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है, खेतों के बीचों बीच से होकर जाता है गांव के लिए रास्ता। इधर की साइड हमारा घर पड़ता है और उधर की साइड गांव पड़ता है, और हमारा जो गांव है वो काफी छोटा गांव है। केदार घाटी में एक गांव हमारा ही होगा भाई, जहाँ रोड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बाकी यहाँ देखिए भाई, गेहूं की सार जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, और यहां से मैं आप लोगों को खेतों का व्यू भी दिखाती हूं जो कि काफ़ी प्यारा है। और यहाँ पे है दादी लोगों का किचन गार्डन, जहाँ पे छोटी छोटी क्यारियाँ कर रखी हैं। इधर की साइड लहसुन है, उधर की साइड आलू, और यहाँ नीचे की साइड देखिए भाई प्याज है। दो तीन क्यारियाँ कर रखी हैं। और यहाँ पे है दादी लोगों की गौशाला, और गौशाला की जो चिलाई है वो पत्थरों से की गई है, और ऐसे जो टीन सेट बना रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर घास रखते हैं। बाकी ये रखी गौशाला, और गौशाला की जो छत है वो टीन की है, और इसके ऊपर से ना लकड़ियाँ वगैरह रख रखी हैं, और ऊपर से पत्थर वगैरह भी रख रखे हैं। ये देखिए भाई, तो ये रहा ऊपर दादी लोगों का घर। तो अभी तो वो अपने किचन में होंगे, तो चलते हैं। बाकी गाँव भी अब दिखाई दे रहा है, ये देखिए। चलिए जी, दादी जी के घर से दूध भी ला गई हूँ, और दादी ने ना छाछ भी दे रखी है इस डब्बे पे। तो मैं ना गांव से घर भी आ गई हूँ, और अभी ना मुझे फिर से जाना है गांव में, क्योंकि ना आज वहाँ पुजाई है। तो चावल हो गया, आटा हो गया, गुड़ वगैरह लेके जा रही हूँ वहाँ, तो चलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मम्मी ने ना चावल हो गया, और जो छोटे छोटे वो बना रखे हैं ना पूड़े, तो इस पर मिर्च हो गया, और एक में नमक है, गुड़ भी है, चावल भी है, और अभी यहाँ पे मम्मी तेल रख रही है। अभी धूप पिठाई भी रखेंगे ना मम्मी, और लड़कियाँ नहीं जाती हैं उस पुजाई में, क्योंकि एक दो साल बाद उसकी पूजा की जाती है, साल बाद की जाती है। हाँ, वो भी शमशान पुजाई। तो दोस्तों, फिर से अभी मैं घर भी आ गई हूँ, क्योंकि ना मैं यह खड़िया रोटी ले जाना भूल गई, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है उसके लिए, है ना मम्मी। तो यहाँ पे देखिए भाई, मम्मी लगी हुई है। तो मम्मी क्या क्या चाहिए उसको? उसके लिए ऐसा भोग चाहिए, साटी, झंगोरा, और जो मनवा होता, और एक रोटी कोदा का मनवा। हाँ, मतलब एक साइड वो करना है उसको ना, उसको एक साइड पकाना है, दूसरी साइड कच्चा, क्योंकि वो बहुत, अगर वो नहीं होता तो हमारे गांव में बहुत कुछ होता है, ऐसे शमशान की जगहों पर, मतलब भूत प्रेत है ना मम्मी, उससे सारे हट जाते हैं। मैंने कुछ इस तरह से बना रखी है यखड़िया रोटी, और इसमें ना धान डाल रखा है, झंगोरा और भट डाल रखे हैं। तो चलिए जी, अब पहले ना इसको गाय भैंसों में वो करेंगे ना, घुमाएंगे। तो चलिए जी, अब वो करते हैं, इसको घुमाएंगे, जो हमारी वो वाली भैंस है जो ब्याह रखी है। तो कुछ इस तरह से भिराया जाता है इसमें, जो रथ बयाल होता है गाय भैंसों पर लगा हुआ, तो वो भी निकल जाता है ना मम्मी, उस पर बहुत शक्ति है। तो चलिए जी, गाय पे भी घुमाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए भाई, अब काली की बारी है। तो चलिए जी, घुमा दिया है, अब इसको लेके चलते हैं गांव की तरफ। तो सब गांव वाले ने ये खड़िया रोटी कुछ इस तरह से रिंगाल की जो कंडी है ना वो तोड़ के, तो इस पर रख रखी है, तो इसको ले जाएंगे उधर की साइड। चाचा जी जा रहे हैं उधर की साइड। तो दोस्तों चलिए जी, अब चलते हैं घर की ओर। और जो पुजाई है ना, तो उसमें लड़कियां नहीं जाते हैं, गांव के जो जेंट्स लोग हैं वही जाते हैं। तो अब मैं भी चलती हूँ घर, और सांस
इतनी भयंकर फूल गई ना, दो तीन चक्कर मारे भाई गांव के। तो यहाँ पे मेहमान लोग भी ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। कैसा हो रहा? बहुत यम्मी हो रहा। अच्छा दीदी, और मम्मी चाय बना रही है, तो मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में है मैक्रोनी की सब्जी, साथ में है पराठे और आलू बड़ी की सब्जी। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखिए भाई, धूप भी लग गई है और आज काफी सुहावना सा मौसम है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी छाई रखे हैं। मेरी मम्मी आनदाना बर्तन संभालने पे लगी हुई है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो नाश्ता करके बर्तन मोनिका ने किए साफ और मैं ढंग से रख रही हूँ, और अब दाल भी रखती हूँ चूल्हे में, और लंच भी बनाते हैं। लंच बनाने का टाइम भी हो गया है और सुबह से लगे हुए हैं। तो ऊपर की साइड देखिए वो मम्मी ने जूस रखे हुए हैं, इस पे तो बुरांस का रखा हुआ है इन दोनों पे, और इस पे माल्टे का रखा हुआ है, और अचार भी है भाई नींबू का। एक ये डब्बा रहा और एक ये डब्बा रहा, तो हमने फुल व्यवस्था कर रखी है ना मम्मी। और जब भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो मम्मी खूब खातिरदारी करती है ना मम्मी। वैसे मेहमान भगवान का रूप होते हैं, जिसके घर में मेहमान आते हैं उसके घर में भगवान आते हैं। हाँ, कभी भी मेहमानों के लिए वो नहीं करना चाहिए, मेहमान आएंगे तो परेशान नहीं होना चाहिए, खुश मतलब दिल खुश होकर मतलब करना चाहिए ना। देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर अपना दिल खुला होना चाहिए। हाँ, और मुस्कुराते हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। वो तो भगवान आते हैं जिसके घर में मेहमान आते हैं। हाँ चलिए जी, अब मुझे ना गौशाला जाना है भैंस को पानी पिलाने के लिए, और आज तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, तो चलते हैं गौशाला की तरफ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।